आज की वीडियो में बात कर लेने वाले हैं फ्रेंड्स, इन्फेंट यानी कि वो बच्चे जिनके दांत निकलने वाले होते हैं के डेज, जिनके बच्चों के दांत जो है फ्रेंड्स टूट कर नए आने वाले होते हैं। इट मींस दोनों ही स्टेजेस में यानी कि 6 to 7 month और 6 to 7 year, ये दोनों एज ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिनमें बच्चों को टीथिंग ट्रबल का इश्यू रहता है। तो इसमें पेरेंट्स को कौन सा उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन देना चाहिए जिससे उनकी टीथिंग में बाय टीचिंग इशू, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे बोल तो पाते नहीं है लेकिन वो हर चीज को काटना स्टार्ट करते हैं जिससे उनके दांतों में इचिंग हो रहा होता है फ्रेंड्स, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होता है उनके उस समय पर फ्रेंड्स। तो हम कौन सा ऐसा टैबलेट दें जो होम्योपैथिक एंड सेफ साइड है बच्चों के लिए, आज इस बारे में डिस्कस कर लेने वाली हूँ। साथ में फ्रेंड्स जिनको लॉस ऑफ एपेटाइट है, चिड़चिड़ापन होता है और बहुत से बच्चे उस टाइप में डायरिया यानी कि उनको डायरिया का इशू रहता है, उल्टी होता है, दस्त होता है, ये सब बहुत कॉमन समस्या होती है फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में बच्चों के साथ में। तो इन सभी प्रॉब्लम में काफी ज्यादा हेल्प कर देने वाला है क्योंकि डॉक्टर्स रेकमेंडेड है फ्रेंड्स। इसको मैं अभी फिलहाल अपने बेटे को दे रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसीलिए अपना एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमेशा मैं अपने चैनल पर एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो की आपसे लेकर आती हूँ। एज यू कैन सी दैट कैल्केरिया फॉस्फोरिका 6x टैबलेट है जो कि इन्फेंट टू किड्स के लिए स्पेशली डॉक्टर्स रेकमेंडेड है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, नियर बाय से आप इसको देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आप गूगल नेट पर फ्रेंड्स। और साथ में इन्फेंट जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स उनको 2 times देना है यानी कि 2 ही टैबलेट 2 times देना है, 2 tablets 2 times देना है जो कि 6, 7 month, 8 month इस टाइप के बच्चे हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपका बच्चा किड एज में है यानी कि 6 to 7 year, 8 year, 9 इस एज में है तो उसको आप 2 ही टैबलेट 4 times दे सकते हैं फ्रेंड्स। मेंशन है स्ट्रॉन्ग में कि 4 strong teeth and bones यानी कि स्ट्रॉन्ग टीथ और बोन्स के लिए स्पेशली वर्क करता है फ्रेंड्स। और जितनी भी प्रॉब्लम अभी मैं फर्स्ट क्लिप में डिस्कस कर चुकी हूँ उन सभी को सॉल्व कर देने वाला है। ऑल ओवर ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, साथ में जितनी भी जो समस्याएं हैं दांत निकलते समय बच्चों के साथ में होती हैं उन सभी में पॉजिटिव वर्क करने वाला है। सो आप अपने बच्चे को इसको दे सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी टैबलेट्स के बारे में बात करूँ तो कुछ इस टाइप की ओपनिंग में जो है मैं आपको दिखाऊं तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह की टैबलेट्स व्हाइट फॉर्म में ऐसी टैबलेट्स हैं, मैं दिखाती हूँ अभी आपको इनको, ये इस तरह से व्हाइट फॉर्म में टैबलेट है, बहुत ही छोटी छोटी सी टैबलेट है, बच्चे को आप देंगे इजिली तो ये डिसॉल्व हो जाती हैं, तो इनको बच्चा ऐसे ही खा सकता है विदाउट वाटर, तो ओरली आप उसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये इजिली आपके बच्चों की टीथिंग ट्रबल प्रॉब्लम में काफी ज्यादा हेल्प कर देने वाली है। आई होप फ्रेंड्स आज के वीडियो में बच्चों से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल ओजस फिटनेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।